पहला 5 मिनट और 15 मिनट का कैंडल दिन का सबसे इम्पोर्टेंट कैंडल होता है। ये हमें इंडिकेट करता है कि आज मार्केट में क्या होने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा हैं। दिन की पहली कैंडल से डिसाइड किया जा सकता है कि इंट्राडे में इंडेक्स और स्टॉक का बिहेवियर कैसा रहेगा। मार्केट में दिन भर में ढेर सारी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें से एक है स्ट्रांग कैंडल। एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन तब होता है जब या तो उसमें कोई वीक ना हो, यानी कि बुलिश मारुबोजू हो, या फिर डाउन साइड में एक वीक हो बट कैंडल का फॉर्मेशन हैमर की तरह हो। और एक स्ट्रांग बियरिश कैंडल का फॉर्मेशन तब होता है जब या तो उसमें कोई वीक ना हो, यानी कि बियरिश मारुबोजू, या फिर एक वीक हो जस्ट लाइक शूटिंग स्टार। अब सवाल आता है कि एंट्री कैसे लेंगे, हाउ टू ट्रेड। मार्केट खुलने के बाद अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में फर्स्ट स्ट्रांग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ तो 9:20 पर एंट्री ले लेनी है। अगर फर्स्ट स्ट्रांग कैंडल ग्रीन है तो लॉन्ग करो, और अगर फर्स्ट स्ट्रांग कैंडल रेड है तो शॉर्ट करो। अब बात आती है कि इसको किन किन इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं। तो भैया, इस स्ट्रेटजी को ऑप्शन में भी यूज किया जा सकता है, फ्यूचर्स में भी यूज किया जा सकता है, और यहाँ तक कि कैश में भी इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं। बस याद रहे कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, तो इसे सिर्फ इंट्राडे में ही यूज करें। आइए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये अडानी पोर्ट का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें फर्स्ट स्ट्रांग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद तो आप खुद ही देख सकते हैं कितना अच्छा टारगेट दिया। आइए एक और चार्ट देखते हैं। ये ICICI लोम्बार्ड का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें भी फर्स्ट स्ट्रांग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और उसके बाद खुद ही देख सकते हैं कितना बढ़िया रिजल्ट दिया। आइए एक बियरिश चार्ट का उदाहरण भी देख लेते हैं। ये चार्ट इंडेक्स बैंक का है। आप खुद देख सकते हैं कि पहली कैंडल कितना स्ट्रांग बियरिश फॉर्मेशन हुआ है और उसके बाद क्या गजब की गिरावट हुई है। अब आप बोलेंगे कि भाई, स्ट्रेटजी भी समझ लिया, ट्रेड कैसे लेना है वो भी समझ लिया, पर टारगेट और स्टॉप लॉस का क्या। तो भाई सब बता दूंगा, पर उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। अच्छा चलो, अब बता ही देता हूँ। देखो, फर्स्ट स्टॉप लॉस तो लो ऑफ द फर्स्ट स्ट्रांग कैंडल ही होगा, और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करें तो आप प्राइस एक्शन बेस्ड पिवट पॉइंट्स को यूज कर सकते हो, या फिर वी वेब भी इसमें काफी कारगर होगा। और प्रॉफिट बुकिंग की बात करें तो 60% क्वांटिटी 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पर बुक कर लेना है, बाकी का 40% चलने देना है जब तक कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट न हो जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस स्ट्रेटजी ने कई बार 10:1 का भी ट्रेड दिया है। हमेशा ध्यान रहे कि 60% हमें 1:1 पर ही बुक कर लेना है। अब इसके और भी एडवांस लेवल की बात करें तो अगर लॉन्ग कर रहे हो तो एक बार चेक कर लेना कि जो फर्स्ट स्ट्रांग बुलिश कैंडल है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो, और अगर शॉर्ट कर रहे हो तो एक बार जरूर चेक कर लेना कि जो फर्स्ट स्ट्रांग बियरिश कैंडल है वो प्रीवियस डे लो के नीचे हो। आइए इसके भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये कैनरा बैंक का चार्ट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो फर्स्ट स्ट्रांग बुलिश कैंडल है वो प्रीवियस डे हाई के ऊपर बन रहा है। आइए एक बियरिश चार्ट भी देख लेते हैं। ये चार्ट M&M फाइनेंशियल का चार्ट है। इसमें जो फर्स्ट स्ट्रांग बियरिश कैंडल है वो प्रीवियस डे लो के नीचे बन रहा है। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल हो तो उन्हें कमेंट करके हमें बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सही जानकारी दी जाए, और हमारा प्रयास आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।